पूरे देश में इन दिनों किसानों के द्वारा खेतों में पराली जलाए जाने के मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि पराली जलाने की वजह से बढ़ रहे प्रदूषण को सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया है, जिसकी जद में अब तो सैकड़ों किसान आ चुके हैं और इन पर पेनल्टी लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं गाजीपुर की बात करें तो यहां भी कृषि विभाग पराली को लेकर चैतन्य है और इन दिनों जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में लगने वाले किसान मेला और रवि गोष्ठी के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। वहीं उप कृषि निदेशक ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर सर्वेलेंस टीम का गठन किया जा चुका है। ये लोग गांव में जाकर सर्वे करेंगे और यदि कहीं भी इस तरह का मामला आता है तो आर्थिक दंड लगाने का कार्य करेंगे, साथ ही एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमें जो एनजीटी के जो निर्देश प्राप्त हैं इस क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के द्वारा जनपद स्तर पे, तहसील स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे सर्विलांस टीम को हम लोगों ने गठित कर दिया है और ये जो टीमें हैं वो ग्रामवार जाकर के मूव भी कर रही हैं। अगर कहीं भी पराली जलाने की ऐसी कोई घटना आती है तो इसका सख्त निर्देश है कि किसानों पर आर्थिक दंड का भी प्राविधान है और साथ साथ उनके ऊपर FIR की भी कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत सरकार द्वारा इसकी मॉनिटरिंग सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में जहां भी ये पराली जलाने की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको सैटेलाइट के माध्यम से उसके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के आधार पर लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है और फिर वहां से भी हमको लगातार दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, जिसको लेकर के हमारी टीम लगातार मूव कर रही है क्षेत्र में। ऐसे में क्या गाजीपुर में भी सरकारी द्वारा कुछ जी ऐसा अभी तक तो कोई प्रकरण, अभी आज के डेट में कोई प्रकरण भी संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने बताया कि पराली की निगरानी सैटेलाइट के द्वारा की जा रही है, साथ ही बताया कि गाजीपुर में अभी पराली जलाने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है, क्योंकि यहां जो खेती होती है वो काफी लेट होती है और अभी बहुत सारे खेत कटे नहीं हैं, जिसके लिए रवि गोष्ठी और किसान मेले के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में आए हुए किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।